हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है आपके विचार। तो दोस्तों अभी हम आए हैं किर्रांच के पुल पर और यहाँ पर हम देख रहे हैं काफ़ी कुछ नदी का उफान आ गया है। आप देख सकते हैं लगभग पुल से टकरा कर ये पानी चल रहा है, काफ़ी पेड़ उखड़ चुके हैं। आप लोग यहाँ का सीन भी देख सकते हैं, थोड़ा दिखा दीजिए यहाँ का सीन। देखिए यहाँ पर काफ़ी सीन लगा है और प्रशासन ने उधर से भी जाम बंद कर दिया है और इधर से भी बंद कर दिया है और प्रशासन अपनी पूरी तरह से मुस्तैद है यहाँ पर ज़्यादा लोगों की आवाजाही ना हो, इसलिए पुलिस प्रशासन ने दोनों तरफ से रोक लगा दी है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे बात भी करते हैं। हाँ भाई, कैसे हो? बढ़िया है। क्या नाम है भाई? जी, इस जगह पे आप अभी देख रहे हैं, बाढ़ पहले कभी देखी थी? नहीं, इससे पहले भी इतना पानी आज तक इस नदी में कभी नहीं देखा। बहुत बार हो रही है। आपके विचार? टीवी पे आते हैं और यहाँ जी यहाँ तक बहुत सारे लोग भी आए हैं देखने के लिए और प्रशासन भी लगा हुआ है यहाँ पर। आप यहाँ पे प्रशासन अपना पूरा मुस्तैदी से काम कर रहे हैं लेकिन लोग बात फिर भी नहीं मानते। अभी तक क्या है, यहाँ पर किसी ने इतना पानी नहीं देखा है। हमने अपने जीवन में अभी तक कभी भी इतना नदी को नहीं देखा है। अभी तक ये नदी बहुत पर है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जिस तरह से पानी उमड़ रहा है, लोगों की भीड़ देखने के लिए उमड़ रही है क्योंकि यहाँ के लोगों ने ज्यादातर पानी नहीं देखा, क्योंकि यहाँ के लोग यहाँ की नदियों में कभी ज्यादा ऐसा पानी आया नहीं है। पहली बार जो लोग देख रहे हैं, कम से कम आप समझ नहीं सकते, लगभग 50 साल बाद ये ऐसा नज़ारा यहाँ पे देखने को मिला। जिस तरह से क्वारी में अभी उफान आया है, देख सकते हैं यहाँ का कुछ नज़ारा, दिखा दीजिए थोड़ा जूम करके दिखाओ पूरा। देख सकते हैं यहाँ पे पेड़ वगैरह सारे उखड़ चुके हैं और पेड़ों के ऊपर तक पानी चल रहा है यहाँ पे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, चंबल का जलस्तर दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। चंबल खतरे के निशान से 7 मीटर ऊपर चल रहा है चंबल का नदी का पानी। और चंबल के बाद अंचल की जो अपनी दूसरी सबसे बड़ी नदी है वो है क्वारी, उसका भी जलस्तर लगभग खतरे के निशान पर पहुंचने वाला है। आप लोग यहाँ का सीन भी देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे पानी चल रहा है। दिखा दीजिए थोड़ा, यहाँ पे बहुत तेज धारा है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप, थोड़ा जूम करके दिखाओ। दोस्तों जिस तरह से आप यहाँ का सीन देख सकते हैं, काफी कुछ पानी बाहर से चल रहा है, ये वाली अभी चल रहा है। ये पूरा नज़ारा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं किराज वाला पुल है और यहाँ पे नदी है क्वारी, उसका आप सीन देख सकते हैं कितना उफान पे पानी आ चुका है यहाँ पर। देख सकते हैं ये काफ़ी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं जो कि यहाँ के पानी को देखने आए, क्योंकि नदी जो अपने उफान पर आई है। अच्छा, उधर का सीन दिखा दीजिए, वो प्रशासन वहाँ पे मुस्तैदी से लगा है, उधर उन्होंने बंद कर दिया है, बैरिकेड लगा दिए हैं, जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं वहाँ पर लोगों की आवाजाही बिल्कुल बंद है, देख सकते हैं। और प्रशासन अपना पूरा काम कर रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। भाई मिल गए, चलिए इनसे बात करते हैं। भाई, ये नदी का पानी लगभग कितने दिनों बाद आपको देखने को मिल रहा है? सर, ये जी लगभग खतरे के निशान से कितना ऊपर चल रही है अंदाज है आपको? 26 फुट ऊपर चल रही है नदी खतरे के निशान से। तो आप दोस्तों समझ सकते हैं कि ये जो नदी है क्वारी का जो पानी है वो 26 फुट ऊपर चल रहा है खतरे के निशान से। जिस तरह से चंबल नदी का पानी भी 7 मीटर ऊपर चल रहा है अपने खतरे के निशान से। ना चाहेंगे लोग जो आवाजाही कर रहे हैं इनको रोकने के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देना चाहेंगे कि अपनी जान से जान ज़्यादा जरूरी है, अपन लेट हो सकते हैं, फिर दोबारा जा सकते हैं, वेट करके इनको दूर से ही देखना चाहिए, मेरे दूर से देखना चाहिए जी। जैसा कि ये भाई भी बता रहे हैं कि लोग इधर का सीन दिखा दो, ये लोग मान नहीं रहे, इनको काफ़ी कुछ कहा भी जा रहा है, प्रशासन अपना पूरा सहयोग कर रहा है, उधर से भी बंद कर दिया, यहाँ पे भी बैरिकेड्स लगा दिए लेकिन लोग फिर भी नहीं मान रहे हैं और पूरी तरह से यहाँ पे देखने के लिए आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का सीन क्या कुछ है यहाँ पे। यहाँ पे एक भाई मिल गए, चलिए इनसे बात कर लेते हैं। भाई क्या नाम है? मेरा नाम
वास्तव में जी जिस तरह से दिनों दिन बारिश हो रही है, पानी का जलस्तर बढ़ रहा है, क्या इस तरह का पानी आपने पहले कभी देखा था? नहीं, मैंने तो अपनी याद में पहली बार शायद पानी देख रहा हूँ, इससे पहले पानी पहले भी देखो मैंने, और शायद देख भी नहीं पाऊंगा क्योंकि और बुजुर्ग लोग बुजुर्ग रहे ऐसी नदी इतनी खतरे वाली, इतनी खतरे वाला पानी आज से 50-60 साल पहले आया था। अच्छा, लोगों को और क्या संदेश देना चाहते हैं जो लोग आवाजाही कर रहे हैं उनके लिए? क्या घर पे रहें, यातायात कम करें, जो जरूरी आवश्यकता है जिन लोगों को, कोई लोग इधर का सीन दिखा दो थोड़ा, यहाँ पे आयो देखिए कुंवारी नदी है अभी अपने खतरे के लिए पूरी चल रही है, आप यहाँ का सीन देख लीजिए दोस्तों।